हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन एक्चुअली क्या है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ईडीएफसी जो है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसके अंतर्गत आता है, और ये डीएफसीसीएल जो है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वही इसका कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करती है। तो जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें जो है एक कॉरिडोर बनाया गया है एक्चुअली ट्रैक, और उसमें जो है गुड्स ट्रेन चलेगी। तो जैसे ये जो है ट्रैक जो है ईडीएफसी का जो है ये हर लुधियाना से जो है आपका डान कुनी जो है रेलवे स्टेशन है बंगाल में, वहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। ये ऑलमोस्ट जो है 1400 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो इसमें सिर्फ जो है गुड्स ट्रेन चलेगी। तो इसमें एक्चुअली जो जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ये सारे वर्क वगैरह जो है टेंडर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब जिसको टेंडर दिया गया है जिस भी कॉन्सर्न कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को, तो वो क्या करता है जैसे ट्रैक वगैरह का जो है लेइंग करता है, ट्रैक का जो लेइंग करता है तो उसमें क्या है जितने भी संबंधित जो कार्य वगैरह होता है ट्रैक से कंस्ट्रक्शन से सारे विभाग का उसमें कार्य होता है। सिविल इंजीनियरिंग का भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी होता है, सिग्नल इंजीनियरिंग वगैरह का भी होता है। तो उसमें जो है आपको एक सुपरविजन करना रहता है कि जैसे आप सिग्नल का लेइंग करना है तो जो जो ड्राइंग है उसके अनुसार कॉन्सर्न कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कर रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना रहता है। जो सिग्नल का जैसे होम सिग्नल का इंस्टॉलेशन, आउटर सिग्नल का इंस्टॉलेशन, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, सन सिग्नल, इस तरीके पॉइंट वगैरह सही से पॉइंट वगैरह का, या इसके अलावा पॉइंट वगैरह का लिंक वगैरह सिग्नल को देखना रहता है। इसके अलावा जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह का जो लिंक किया जाता है उसका जो है सिविल इंजीनियरिंग के जो होते हैं उनको देखना रहता है। तो ये सारे वगैरह जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करवाए जाते हैं, और आपको आपके सुपरविजन में होगा। तो जैसा ड्राइंग है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। दूसरा ये इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब बहुत कम ही रहता है पोस्ट वगैरह, ज़्यादातर वर्किंग वगैरह जो है आपके कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही करवाया जाता है। अगर आप अगर गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जैसे डीएफसीसीएल वगैरह के थ्रू जाते हैं तो जो हल्का फुल्का जो मैनेजमेंट से संबंधित कार्य रहता है वो आपको देखना रहता है, लेकिन सारे जो काम करने वाला जो स्टाफ होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही उपलब्ध रहेगा और उसी के थ्रू आपको करवाना है। ये सब रहता है। थोड़े बहुत जैसे जेई पोस्ट पे या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, जैसे जेई को जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव बोला जाता है जैसे ईडीएफसी वगैरह में, तो इस तरीके का जो पोस्ट वगैरह है वो सब कुछ पोस्ट रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वर्किंग करने वाला जो स्टाफ होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्टर का ही रहेगा। तो जॉब ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया है, वर्कलोड वगैरह ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कि उसमें जो है सिर्फ गुड्स ट्रेन चलती है। उसका थोड़ा यार्ड वगैरह बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसलिए कि गुड्स ट्रेन जो है लंबा चौड़ा होता है, और कहे कि वो अगर उस कॉरिडोर में चलेगी ईडीएफसी में तो जाहिर सी बात है उसका ट्रेन का जो है लेंथ वगैरह बहुत लंबा चौड़ा होता है, और उसमें हर एक प्रकार का आपका गुड्स ट्रेन होगा, जैसे बक्सा वाला जो होता है वो भी होगा, कोल वाला भी होता है, कोयला वाला भी एक्चुअली, और इसके अलावा जैसे लॉजिस्टिक वाला जो होता है जो सामान ख़राब वगैरह होने वाला है, कूलर वगैरह जो रखा रहता है वो सब सामान भी रहता है। तो उसका एक मेन पर्पज़ कॉरिडोर वगैरह का यही है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जो है सामान जल्द से जल्द पहुँचे। जाहिर सी बात है अगर गुड्स ट्रेन सिर्फ गुड्स ट्रैक पर चलेगी तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, रुकावट, तो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंच सकती है। तो ये सब पर्पस है। दूसरा इंडियन रेलवे का जो नॉर्मल जो ट्रैक है जिस पर एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन वगैरह चलती है उसका कम डिस्टर्बेंस होगा तो और टाइम सेविंग होगा, यही सब है। तो जॉब वगैरह काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको मौका मिलता है जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।